एक्सपोनेंट्स इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन एक्सपेंडेड फॉर्म, देन सिंप्लीफिकेशन, सच सच न्यू न्यू नेम्स आर देयर. ओके, सो इफ आई राइट हियर फर्स्ट पॉइंट, राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, इफ आई राइट हियर 2 × 2 × 2 थ्री टाइम्स, इफ आई राइट मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, आई विल बी राइटिंग इट एज 2 raised to power 3. ओके, देन 2 is called बेस एंड 2 is called पावर, और पावर में बोल सकते हैं इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट इज अ न्यू नेम, प्लीज राइट इट डाउन. बोर्ड इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, 2 is base, जो नीचे वाला नंबर है दैट इज कॉल्ड बेस, जो ऊपर वाला नंबर है. ई सेक्शन प्लीज सेटल डाउन फास्ट. व्हाई चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग? आपने काफी देर से ज्वाइन किया हुआ है बेटा, सेटल डाउन. द होल क्लास इज डिस्टर्ब. ओपन योर नोटबुक्स, हरी अप. व्हेन वी मल्टीप्लाई द सेम नंबर अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड बेस. एंड दैट सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार उसको मल्टीप्लाई किया है, उसको हम बोलते हैं उसकी पावर, या फिर उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लिखो इसका. 1 raised 1 × 1 × 1 × 1, राइट? 7 डी सेक्शन समर, डी सेक्शन समर आ गया. टेल मी व्हाट इज द बेस हियर? व्हाट? वन 1. यस यस, वेरी गुड. देन व्हाट इज द पावर? फोर 4. वेरी गुड, 4. ओके, सो दिस इज द बेस, जैसे हमने पहले किया था, एंड दिस इज द पावर. पावर बोलना ज्यादा इजी है, एक्सपोनेंट बोलना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, बट आपकी बुक में जो वर्ड यूज किया हुआ है दैट इज एक्सपोनेंट. इसलिए यूज दिस नेम, लर्न दिस न्यू नेम, ताकि आपको क्वेश्चन में वो न्यू ना लगे, स्ट्रेंज ना लगे कि अरे एक्सपोनेंट क्या होता है. नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. Let us take -1 × -1 × -1. -1 को ब्रैकेट में डालो. अगर हम -1 को अपने इंटीजर्स पढ़ लिया हुआ चैप्टर, 1 is also an integer, -1 is also an integer, -1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 raised to power आपका 3 हो जाएगा. इसलिए यू हैव टू रिमेम्बर कि जो नंबर हम बार 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 मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज द बेस, राइट? एंड जितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज एक्सपोनेंट. अभी मैं पावर वर्ड यूज नहीं करूंगी, वी विल यूज दिस वर्ड एक्सपोनेंट, बिकॉज द सेम चैप्टर विल बी इन 8th ऑल्सो एंड इन योर बुक्स ऑल्सो. एक्सपोनेंट वर्ड ज्यादा यूज हो रहा है, तो अभी हम पावर को स्किप कर देते हैं. ऑल दो दे हैव द सेम मीनिंग आई टोल्ड यू, एक्सपोनेंट का मतलब जो ऊपर उसकी पावर लिखी होती है कि कितनी बार सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट. एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द एक्सपोनेंट मीनिंग? यस यस, वेरी यस गुड. लर्न दिस न्यू नेम. ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन दिस ऑल. आपको ये याद रखना है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है. ओके, सो नाउ अब ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिख रहा है यहाँ पे. जी सेक्शन हैज जस्ट ज्वाइंट, लेट मी एडमिट देम, लेट देम ऑल्सो सी द बोर्ड.
पूरा क्वेश्चन ये आपके सामने है कि हमने सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया और वो उसको हमने पावर के फॉर्म में लिख दिया। जी सेक्शन, यस, गुड बेटा, गुड ऑन वीडियो, प्लीज सी द बोर्ड व्हाट आई हैव डन। गुड जी बेटा, गुड मॉर्निंग जी सेक्शन, यस, गुड गुड, प्लीज सिट डाउन बेटा, प्लीज नोट इट डाउन एवरीथिंग क्विकली, आई एम गोइंग टू रिपीट इट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इन दिस यू शुड नो व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज पावर, व्हाट इज बेस। नोट इट डाउन फास्ट। इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन 2 × 2 × 2, सेम नंबर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। वी रोट इट एज 2 raised to power 3। बोलते हम 2 raised to power 3 है, इसका मीनिंग है एक्सपोनेंट। ओके, पावर इज द एक्सपोनेंट, यू शुड नो राइट। इसलिए मैंने दोनों नेम्स लिखे हैं। यू शुड नो कि कभी ऐसा भी आ सकता है, एक्सपोनेंट भी आ सकता है, कभी आपको पावर भी आ सकता है। ओके, नाउ ये अभी जो बाकी बचे हैं, जी सेक्शन आप नोट करो बेटा इसको। आई एम आस्किंग फ्रॉम ए सेक्शन, निखिल, निखिल बेटी आ गया हूं। बेटा कैन यू टेल मी कि ये जो फॉर्म है 2 × 2 × 2, ये कौन सी फॉर्म होती है नंबर्स की? माइक ऑन करो। एक्सपेंडेड What do we call it? Expanded form. Very good. इसको हम बोलते हैं expanded form. Expanded form. और दूसरी फॉर्म को क्या बोलते हैं, जो हमारे सामने लिखा हुआ है उस साइड पे लिखा? एक्सपोनेंट हाँ, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो बेटा, रिपीट एक्स इट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा होता है आपको राइट द नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप पावर के फॉर्म में आंसर दे देते हो। लिखा होता है कि राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आपको उसको पावर को जितनी बार पावर लिखी है उतनी बार उसको लिखते जाना एक्सपेंड करके। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये सारे की जो सारे ये फॉर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपकी नोटबुक में प्लेस है तो लिख लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज पे लिख लो, ठीक है। आई वॉज वेटिंग फॉर एफ सेक्शन, जी सेक्शन, ये अभी नोट कर रहे हैं इसलिए मैंने इधर ही लिख दिया। यू शुड नो कि जब हम इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं सारे नंबर को, यू नो सेम नंबर रिपीट कर करके उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। अगर उसकी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अभी थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल करेंगे। हैव यू गॉट द मॉड्यूल? सबके पास है? मैम नो इट्स नो ओके, इट्स ओके, वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस। जी सेक्शन, शैल आई मूव टू नेक्स्ट पेज? हैव यू नोटेड? जी सेक्शन, रेज योर हैंड, हैव यू नोटेड? वेरी गुड, दिस वाज सिंपल आल्सो। ओके, राइट डाउन, ओके, क्विकली वी विल राइट डाउन द लॉज ऑल्सो, क्योंकि आपने ये यूज कर रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। प्लीज राइट डाउन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बेटा, ये आपके 8th में भी यूज होंगे, राइट इट प्रॉपरली, ठीक है। सेम रूल विल बी यूज देयर ऑल्सो। a raised to power m इज इक्वल टू a raised to power m+n। आपने ऑलरेडी किया हुआ है, रिमेंबर दिस इज द सेम बेस, दिस फॉर्मूला इज फॉर सेम बेस। वेन एवर यू सी द सेम नंबर इन द बेस पोजिशन यू विल अप्लाई दिस। सेकेंड इज a raised to power m/(a)^n। आई एम राइटिंग इट इन दिस फॉर्म ऑल्सो, a raised to power n, क्योंकि
कई बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है कि हमारा ये डिवीजन का साइन है या फिर फ्रैक्शन का साइन है, इसलिए आई एम रिपीटिंग इन दिस फॉर्म ऑल्सो. यू शुड नो, हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं इसको. ए रेज टू पावर एम माइनस एन. पावर इज सब्ट्रैक्टेड व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय ईच अदर. डिवीजन का साइन डालो या फिर फ्रैक्शन में लिखो, दे आर सेम. हियर ऑल्सो इट इज सेम बेस. रिमेंबर, यू नो इट ऑलरेडी, किया हुआ है आपने. यू आर जस्ट रिकॉलिंग ताकि हमारे क्वेश्चन फास्ट फास्ट हो पाए. देन इट इज ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन. देर आर टू पावर्स, रिमेंबर देर आर टू पावर्स. ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन. ओके, सो वी आर मल्टीप्लाइंग द बोथ द पावर्स. ऊपर वाली जो दोनों पावर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. वी कैन राइट इट एज ए रेज टू पावर एम एन. लिपसिंग करो माइंड में, बोलते रहो किसको बोलना कैसे है, क्योंकि जब मैं आपको आंसर के लिए बुलाती हूँ, मैंने देखा है 8th क्लास के बच्चों को भी बोलना नहीं आता कि अभी हम कैसे आंसर कैसे दें. ए रेज टू पावर एम, ए एम नहीं बोलना. कई बच्चे बोलते हैं ए एम ए एन. नो, यू आर टॉकिंग अबाउट पावर, स्पीक इन द फॉर्म ऑफ पावर ओनली. फोर्थ, ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एन. यू नो ये जो हमने लिखा है इसको क्या लिखोगे ब्रैकेट में, कौन बताएगा मेरे को? ऊपर मैंने लिखा है सेम बेस, यहाँ पे लिखा है सेम बेस. व्हाट शुड आई राइट हियर? आपको रिकग्निशन कैसे होगी कि अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें? What should I write on the side? Anybody? Power मैम पावर एस टू पावर of a power. Short form में हम लिखेंगे power of a power. आपको दिखना चाहिए, ये वर्डिंग भी आपको बोलनी आनी चाहिए और दिखना भी चाहिए कि पावर की आगे एक और पावर है. राइट, रिकग्निशन हो जाती है. अभी यू नो एबीसी की फॉर्म में देखते हो ना, आपको याद रहता है, जैसे वो नंबर के फॉर्म में आएगा भूल जाएगा वो. 10 की पावर आ गया, 1 की पावर आ गया, 9 की पावर आ गया, वो भूल जाता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे. सो इनको नेम से लर्न करो. सेम बेस, पावर ऑफ अ पावर. व्हाट शुड आई राइट हियर? इट इज ए इंटू बी रेज टू पावर एम. सेम पावर है दोनों के ऊपर, तो एक ही बार लिखी जाएगी. वी विल राइट इट एज डिफरेंट बेस. जैसे ही आप डिफरेंट बेस देखोगे, आपके माइंड में क्विकली आ जाएगा कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने गुड मॉर्निंग मैम यस मैम फोर्थ लॉ में मैम बी रेज टू पावर एम होना चाहिए बी रेज टू पावर एम. यस यस, थैंक यू. इज इट फाइन? बोथ हैव द सेम पावर, बेस इज डिफरेंट. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द पावर ओनली वंस. फिफ्थ वन, ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाय बी रेज टू पावर एम. वी आर नॉट राइटिंग इट इन फ्रैक्शन फॉर्म. आपको पता चल गया, जैसे ही डिविजन आएगा आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में ऑटोमेटिकली लिखोगे. राइट, सो इट विल बी ए बाय बी रेज टू पावर एम. वी हैव द सेम पावर, इट इज ऑल्सो डिफरेंट बेस. लॉज की ये जो लिस्ट है, अदरवाइज ऑल्सो 7th में जो जो आप न्यू चीजें पढ़ रहे हो ट्रायंगल के बारे में, सिंप्लीफिकेशन के बारे में, जो भी आपने न्यू चैप्टर किए हैं, प्लीज उनको संभाल के रखना. दे विल ऑल बी यूज इन 8th क्लास ऑल्सो. कीप योर नोटबुक सेफ. ओके, आप यूज करोगे ये सारे फॉर्मूला, सारे लॉज हैं, कुछ भी आप लिख रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हो, फॉर्मूलाज लिख रहे हो, वो सारे के सारे आपके 8th में भी काम आएंगे. ओके, वन मोर आई एम राइटिंग हियर. Everybody has written? Yes. All right. These are completed. Write down 6 points. 6th point is a raised to power 0 is equal to 1.
ब्रैकेट में लिखो फॉर एनी ए कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 5000 हो, 900 हो, 10 हो, 1 हो, एनी नंबर, बेस में कोई भी नंबर है, अगर आपके पास 0 है ऊपर इट विल बिकम 1। इज इट फाइन? 7 फॉर एनी ए। मैं बड़े नंबर देख के बच्चों को होता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा नंबर है अब क्या करें, जैसे 0 दिखेगा हमारा क्वेश्चन इजी हो गया, हमने उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, राइट। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, वी आर राइटिंग इट 4 टाइम्स। अभी पिछले पॉइंट्स में आपने मेरे को बताया था वी कैन राइट इट एज -1 रेज टू पावर 4, यू ओनली टोल्ड मी सेम नंबर हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने पावर फॉर्म में लिख दिया। नाउ यू नो इंटीजर्स में आपने मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा हुआ है माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर कहाँ तक पहुंचा, प्लस पे या माइनस पे? प्लस, यू नो इट, ठीक है। हमने 1 2 3 4 4 टाइम्स नेगेटिव को किया, तो हमारे इवन नंबर्स हैं, दीज आर ऑल इवन नंबर, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन विल गो, ठीक है। राइट डाउन हियर दिस इज इवन पावर, दिस इज इवन नंबर, राइट, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू 1। जैसे आपको -1 के ऊपर, माइनस के नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर, इवन पावर दिखेगी, आपका नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लिखो इसके साथ ही, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, टेल मी द फाइनल आंसर व्हाट इट शुड बी, 625 एवरीबडी एवरीबडी डू, कई बच्चे ओरल कर रहे हैं, यस आई नो 5 को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, आपकी क्विक कैलकुलेशन होनी चाहिए, यू नो इट, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है, सबको याद हो गया होगा अभी, 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 125, बहुत बार आपने यूज किया है। किन बच्चों ने ओरली किया प्लीज रेज योर हैंड, आई मस्ट अप्रिशिएट, 5 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू आर गेटिंग 625, वेरी गुड वेरी गुड। और जो बच्चे लिख के कर रहे हैं वो भी क्विकली हो जाएगा, यू नो इट, 125 को 5 से जल्दी से मल्टीप्लाई करके बता दो, दिस इज 625, इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर आ रहा है इसको, नेगेटिव हैज गॉन, क्योंकि ये इवन नंबर था आपका। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बना, हम जो फॉर्मूलाज की लिस्ट बना रहे हैं उसमें हम क्या लिखने वाले हैं कि -1 की पावर जब भी आपके पास इवन होगी इट विल बिकम +1, इवन नंबर, इट कुड बी 24, इट कुड बी 26, 30, जब भी आप पावर को इवन फॉर्म में देखोगे उसका नेगेटिव साइन आप खत्म कर दो, बड़े से बड़ा नंबर हो अगर जैसे ही वो इवन है वी नो इट कि नेगेटिव विल गो। 8th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, -1 रेज टू पावर ऑड, अब आपको पता चल गया हाउ वी आर कैलकुलेटिंग, जैसे ही वो ऑड उसकी पावर आएगी 3, 5, 17, 15, 11, यू विल फाइंड इट विल रिमेन नेगेटिव, बिकॉज एक नेगेटिव हमारा बचेगा ही बचेगा, बिकॉज पेयर्स नहीं बन रहे हैं पूरे के पूरे, इवन में आपके सारे पेयर्स बन रहे हैं, दो दो के पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, बट जब भी आपके पास ऑड होगा एक नेगेटिव पक्का बचेगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो दैट विल कम आउट इन द आंसर फॉर्म। इसका एक एग्जाम्पल लिखो, हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा है, राइट डाउन वन एग्जाम्पल, -3 इंटू -3 इंटू -3
सेवेंथ क्लास में जनरली बेटी आपको ये जो क्वेश्चंस है ना एक्सपोनेंशियल वाले, उसमें नेगेटिव साइन बहुत कम यूज होगा, ठीक है, बट यू शुड नो दिस रूल, क्योंकि वो -1 की फॉर्म में यूज हो रहा है, आपका नंबर्स की फॉर्म में नहीं यूज हो रहा, ठीक है। प्लीज मल्टीप्लाई दिस अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन, -27 -27, -27। जिन बच्चों को काउंट करने में या फिर लर्न करने में कभी भूल भी जाते हैं कि नेगेटिव और इवन को देखना मुश्किल होता है, प्लीज रिमेम्बर जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे नेगेटिव वाले, इनको आप पेयर्स बनाओगे, ऐसे ऐसे टू टू के पेयर्स बनाओ, यू विल कम टू नो पेयर ऑल्सो, मेक अ पेयर क्विकली, आपको पता चल रहा है कि एक नेगेटिव हमारा एक्स्ट्रा है जो कि आंसर में आएगा। अंडरलाइन विल टेल यू द पेयर विच आर मेड हियर, ठीक है बेटा। That's it. आप इस चैप्टर में मोस्टली बस यही रूल यूज कर रहे हो एंड दे आर वेरी इजी ऑल्सो, बार बार सेम क्वेश्चन में यूज करते हो। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपके क्वेश्चन किस फॉर्म के आते हैं, कैसे कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टेस्ट फॉर्म में हो, चाहे आपकी बुक से हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो। व्हाट इज आस्ट, सब में यही रूल चलने हैं आपके, दैट यू हैव टू रिमेम्बर, राइट डाउन अ मॉड्यूल आज आपके पास नहीं है, राइट डाउन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। टूडे यू लर्न कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है और हम क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एक्स्ट्रा क्वेश्चन हेडिंग डाल लो, टुमारो विल स्टार्ट मॉड्यूल, देन आपको मिल भी जाएगा। फाइंड द वैल्यू, सारे फॉर्मूला सारे रूल आपके साथ हैं, किसी को देखना हो तो साथ साथ देख भी सकते हो। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 raised to 9 raised to power 3, 9 raised to power 3, एक और पार्ट है इसका 5 raised to power 5 raised to 4 आप कर चुके हो, 2 raised to power 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रन व्हेन दे स्टार्ट द क्वेश्चन ना दे लुक एट ओनली दिस, इसको देखते हैं कि 9 raised to power 3 है, उसको करना शुरू कर दिया, मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल लिया। लुक एट दिस, इन्होंने पूछा क्या है, हमेशा ऊपर स्टेटमेंट पक्का पढ़नी है कि आपको सिंप्लीफाई पूछा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछा है, एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा है, क्या पूछा है आपसे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, चलो पहले इसको सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर आप ए पार्ट को सॉल्व करोगे, मैम 729 सेक्शन सी पुनीत, यस बेटा आ गया हो, माइक ऑन करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें आपने क्या किया, पुनीत यू नो इट हाउ टू डू, को 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 9 into 9 into 9, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, अभी आगे और मल्टीप्लाई करना है इसको, वट एवर जितनी बार उसको आपने मल्टीप्लीकेशन का साइन डाला है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई भी करना है, 9 into 9 into 9, पेन चलना चाहिए आपका साथ में क्विकली, 9 9 81 सबको पता है, अभी 81 के बाद कई बच्चे कर रहे होंगे, लिख के करेंगे कई बच्चे, आई नो। पुनीत आपने आंसर निकाला बेटा, 729, 729 इज द आंसर, सेम बी पार्ट। पुनीत सिट डाउन, ई सेक्शन रोहित, स्लो ब्लूमर क्लास ओके सरताज, ई सेक्शन ऑल्सो पीछे से, आई कैन सी वन हैंड, ई सेक्शन, यस लास्ट बॉय, प्लीज आ जाओ बेटा, दिस इज वेरी सिंपल,
बाकी बच्चे रुकेंगे नहीं, अपना पेन चलाते रहो, डोंट वेट फॉर द आंसर टू राइट हियर। 64. 64 इज द राइट आंसर। व्हेन यू एक्सपैंड इट 2 × 2 × 2, प्लीज काउंट आफ्टर राइटिंग, प्लीज काउंट भी करो, ये नहीं कि यहाँ पे 5 टाइम्स लिख दिया और आंसर आपने लिख दिया 64। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन, प्लीज काउंट इट 1 2 3 4 5 6, इट शुड बी 64। जब आप एक्सपैंड करते हो प्लीज काउंट देम ऑल्सो। ये चैप्टर बहुत इजी है, छोटी छोटी आपको बातों का ध्यान देना है, दैट्स इट। सेम क्वेश्चन आई एम राइटिंग इन अदर फॉर्म, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, सेम क्वेश्चन। ए पार्ट 9 रेज टू पावर 3, बी पार्ट 2 रेज टू पावर 6। यहाँ पे आपके फुल मार्क्स है, जब आपने ये चीज निकाल ली ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यू हैव गॉट फुल 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, बिकॉज आप बिल्कुल एंड तक पहुंचे हो आंसर के, जो चीज पूछी हुई थी यू हैव शोन दैट आंसर। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर आस्किंग राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये पहले वाले से इजी है या डिफिकल्ट है, पहले क्वेश्चन से कंपेयर करो इसको। डू यू फाइंड इट इजी? इजी, यस, हु से इजी, रेज योर हैंड। वेरी गुड, जिन जो बोल रहे हैं कि इजी है इसका मतलब उनको पता है कि इसमें क्या करना है, और वो हाफ क्वेश्चन है प्रीवियस वाले का, है ना। इट इज 9 रेज टू पावर 3, यू आर जस्ट राइटिंग इट एज दिस, जस्ट हियर यू आर गेटिंग फुल 2 मार्क्स टिल हियर। ठीक है, यू नीड नॉट मल्टीप्लाई, आपका जो है काम आधा हो गया अभी। 2 रेज टू पावर 6, यू आर राइटिंग इट इन द सेम फॉर्म एंड यू आर गेटिंग 2 मार्क्स, नो नीड टू मल्टीप्लाई। ऑलवेज रीड टॉप ऑफ द लाइन ऑफ द एवरी क्वेश्चन सो दैट यू कम टू नो कि हमें आंसर किस फॉर्म में देना है। राइट, आई एम राइटिंग वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस फॉर्म, थर्ड क्वेश्चन। आई एम राइटिंग हेयर ओनली क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सा आंसर कैसे लिखना है। राइट डाउन योर सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई इफ यू गेट द क्वेश्चन इन दिस फॉर्म, सिंप्लीफाई। ओके, सेम क्वेश्चन, आई एम नॉट चेंजिंग इट। फर्स्ट इज 9 रेज टू पावर 3, सेकेंड पॉइंट इज 2 रेज टू पावर 6। हाउ विल यू डू दिस थर्ड क्वेश्चन? हाउ विल यू डू थर्ड क्वेश्चन? सिंप्लीफाई, एफ सेक्शन, मनमी, एफ सेक्शन कंबाइन है ना किसी के साथ, आई थिंक, यस यस। वेयर इज मनमीत? मैम, ही इज इन एक्स्ट्रा क्लास. एक्स्ट्रा क्लास, ओके। करण प्रीत, एफ सेक्शन, करण प्रीत इज देयर? ही इज ऑल्सो इन स्लो ब्लूमर क्लास. ओके, नमन, 7G, He is next class. ओके 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 बेटा। देन 7B, फर्स्ट चाइल्ड इन द मिडल रो। हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू हियर, सिंप्लीफाई में व्हाट वुड यू डू इस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करोगे इसको? मैम, 9 × 9 × 9 इक्वल्स टू 729. इट मीन्स इन दिस फॉर्म सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, यस। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और सिंप्लीफाई एक ही बात है, सिंप्लीफाई का मतलब उसको पावर की फॉर्म में नहीं लिखना, उसको
मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बताना। ओके, सो दिस इज सेम एज क्वेश्चन वन। ऑफ आस्किंग अलग अलग है बट वेरी वेरी सिंपल, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, नो क्वेश्चन इज डिफिकल्ट इन दिस चैप्टर, इसलिए हमने कोई गलती होने नहीं देनी। उसके लिए आपको कॉन्शियसली करना है, ध्यान से करना है और लिपसिंग करके करना है, बोल बोल के लिखना है वर्ड आपको, सो दैट आपकी पावर ना गलत हो जाए, बेस ना गलत हो जाए, साइन ना गलत हो जाए। एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया आपका, फाइंड द वैल्यू हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। वन मोर क्वेश्चन आई वॉन्ट टू राइट, क्वेश्चन नंबर फोर, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलना आना चाहिए आपको, वर्ड को बार बार मुंह से बोलो, लिपसिंग करो ताकि आपको बोलना आए और वहां पे पढ़ना भी आए एग्जाम में कि क्या पूछा गया है। एक्सपोनेंशियल राइट, एक्सपोनेंशियल आपको वर्ड बता रहा है कि आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंट में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस सी, राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन ए पार्ट 512 एंड बी पार्ट 729 आप यूज कर चुके हो, लेट मी राइट डाउन 343, राइट द आंसर राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द टॉप स्टेटमेंट कि प्राइम क्या का पूछा गया है, डोंट टेल मी आंसर बाय सिटिंग, एवरीबडी डू। आई नो कई बच्चे आंसर सुन के पेन अपना आप चलाना बंद कर देते हैं कि दिस क्वेश्चन इज डन, खत्म हो गया, आंसर पता चल गया, क्वेश्चन ओवर, नो, यू हैव डन इन क्लास ऑल्सो, डू इट कॉन्फिडेंटली, आई विल कॉल द नेम, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आई विल आस्क द मेथड ऑल्सो, कैसे किया आपने, वेरी गुड। 20 सेक्शन जतिन, क्या आप कर रहे हो या कर लिया आपने, कैन यू टेल, कर कर रहे हैं। रहे हैं, ओके तो रुको, गुड, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, आपको सोच के करना पड़ेगा, वट एवर मेथड जो भी आपने क्लास में सीखा है डू बाय दैट मेथड। You have done, raise your hand. Answer नहीं बताना, just raise your hand. Good. Good. E section से that girl is raising a hand near the curtain window. Yes, please, आ जाओ आगे. Tell me the method. क्या किया आपने इसमें? मैम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन Very good. फैक्टराइजेशन, व्हाट इज कमिंग, आंसर क्या आ रहा है आपका, 2 रेज टू पावर 9। टू रेज टू पावर 9, पहले आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, यस सिट डाउन, वेरी गुड, कौन कौन से बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर रहे हैं, रेज योर हैंड, वेरी गुड, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, यस आई नो टाइम लगेगा, वेरी गुड, कीप डूइंग। अब वो बच्चे हाथ खड़े करेंगे जिनका 2 रेज टू पावर 9 आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो जब इवन नंबर होता है तो बहुत इजी होता है करना, है ना, क्योंकि वो 2 के टेबल से जाता है, जनरली 2 के टेबल से जाए जा रहा है, उसको करते रहो आगे आगे करते रहो। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस चैप्टर में ये है कि जो नंबर आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप रिपीटेड सेम 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 नंबर से वो जाता जा रहा है बार बार, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपके नंबर ही ऐसे आएंगे कि सेम सेम नंबर से चलते जा रहे हैं वो आगे, बहुत इजी लगता है। यस अभी हाथ खड़े हो रहे थे बच्चों के, 2 रेज टू पावर 9 काफी का आ रहा है, वेरी गुड,
वेरी गुड, ठीक है, 512 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ली। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर दो जो बच्चे कर रहे हैं। वेरी गुड, स्टार्ट द बी क्वेश्चन, बी पार्ट। आपने देखा आपका इसको 2 से किया, फिर 2 से किया, 2 से किया, 9 टाइम्स आपका आ रहा है, तो आपने यहीं पे काउंटिंग कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर आ गया 2 रेज टू पावर 9। वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, तो हमारा दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपको मैम ने सिखाया है कि पहले आपको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना है, 2 को ऐसे फॉर्म में लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आप लिख सकते हो उसको 9 टाइम्स। अगर नहीं बताया, इट्स ओके, यू कैन काउंट हेयर ऑल्सो। जहां पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो वहीं पे 2 2 2 2 2 को सबको आप काउंट कर लो, हाउ मेनी टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइंग, यू कैन राइट इन पावर फॉर्म डायरेक्टली, ठीक है, वट एवर वे जो आपको इजी लगता है वैसे करो। सिमिलरली बी पार्ट, प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑड नंबर, थिंक एंड डू। वेट, कई बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, वेट, आई डोंट वांट टू हियर द आंसर अभी, एवरीबॉडी इज ट्राइंग। 343 इज यूनिक नंबर, थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा इसको। ओके गुड, लेट एवरीबॉडी ट्राई। ऑड नंबर को देख के कई बच्चे घबरा जाते हैं कि दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। व्हेन एवर ऑड नंबर कम्स ना, सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि 3 से चेक करते हैं, क्योंकि बात तो 3 ऑड नंबर आता है, यू इमीडिएटली थिंक और थिंक ऑफ कि चलो 3 से हो सकता है, 3 से जाए, तो 3 से उसको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लो फटाफट। आपने 6 में डिविजिबिलिटी टेस्ट किए हैं, क्विकली इनको प्लस करके देख लो, 6 प्लस 4 10, 10 क्या वो 3 से जाता है? नो, इसका मतलब 3 से आपने ट्राई नहीं करना, गो लुक फॉर अनदर ऑड नंबर, उसके बाद लुक फॉर 5, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ। 5 के लिए आपको पीछे 5 और 0 चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है, लीव इट, गो अहेड, 7 नेक्स्ट ऑड नंबर ट्राई करो। ओके, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको नहीं याद होगा क्योंकि वो डिफिकल्ट था, क्विकली उसको डिवाइड करके चेक कर लो रफ में, ठीक है। जिनकी ओरल कैलकुलेशन है दैट इज फाइन, दे कैन डू इट, जिनको लिख के करना है दे कैन क्विकली रिवाइज डू इट, प्रैक्टिस इट इन रफ एंड देख सकते हैं वो किससे जा रहा है। 49 तो निकल गया, रेज योर हैंड हु हैव फाउंड। वेरी गुड, वेरी गुड, ए सेक्शन फर्स्ट गर्ल इन द मिडल रो, वेरी गुड। हाँ जी बेटे, द गर्ल हु इज रबिंग हर थिंग्स, कैन यू टेल मी आंसर, यू वर रेजिंग योर हैंड। 49 49, हाउ कैन इट बी 49, किसकी पावर आ रही है 343 को? आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ना, तो 49 कैसे आ सकते हैं? 7 के टेबल के साथ किया। यस गुड गुड, ठीक है, 7 की टेबल से किए, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इस क्या हुआ, ये 7 रेज टू पावर 3, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इज इट ऑल राइट? यस यस गुड, सिट डाउन, इट इज 49 इंटू 7। इस चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है दिस, ठीक है बेटा, इसमें आपको ये टाइम लगेगा कि कहां से हम स्टार्ट करें। आई हैव गिवन यू क्लू, इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट कर दो, ऑड नंबर है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से अपना निकालो, डिविजिबिलिटी रूल्स लगाओ, 3 का लगाओ, 5 का लगाओ, 7 का लगाओ, 11 का लगाओ, चलते जाओ आगे आगे। प्लीज रिमेम्बर, अगर वो 3 से नहीं जा रहा तो 9 से भी नहीं जाएगा, तो गो अहेड। ओके, आप 7th क्लास में हो, अभी न्यू क्लास में जाना है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी क्विक होनी चाहिए, जो जो शॉर्टकट मेथड आपने सीखे हैं उनको अप्लाई करो अपने क्वेश्चंस में। आई हैव सीन 8th क्लास ऑल्सो, 9th क्लास ऑल्सो, बच्चे रफ में ट्राई करते रहते हैं, देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं,
डिवाइड करके चेक करते हैं, फिर वो 5 से डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं, कितना टाइम वेस्ट होता है उसमें। किस किस को डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है, प्लीज रेज योर हैंड। ओके प्लीज अपनी बुक खोल के, 6 की बुक खोल के एक बार उसको रिवाइज करना। ओके डिविजिबिलिटी टेस्ट विल मेक योर कैलकुलेशन फास्ट। ओके बेटा एनी डाउट टिल नाउ, जो जो किया है हमने, यू हैव कम टू नो कैसा क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे चलना है, कैसे परफॉर्म करना है आंसर को, हैव यू कम टू नो, रेज योर हैंड, इज इट क्लियर टू एवरीबडी, कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसा आंसर बताना है आपने। वेरी गुड, क्योंकि आपको फाइनल आंसर बेटा जो है ना वो आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। चलो गुड बेटा, सी यू टुमारो, देन विल स्टार्ट द मॉड्यूल।